Bola name. चले शुरू। नदीम धनुरी और नॉन सेकंड पे खड़े हैं लोकेश मेना, शान ऑफ राजस्थान, स्टाइलिश बैटर। नदीम धनुरी स्ट्राइक पे, लोकेश मीना नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हैं। ऊंची गई है गेंद, नीचे फील्डर मौजूद हैं, नीचे फील्डर छूटा कैच। विश्वास तो नहीं हो रहा वरना छोड़ ही दिया था इन्होंने नदीम धनुरी साहब ने कि अब तो ऊंची गई है। चलिए और हमारे बीच कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित हो चुके हैं श्रीराज जायसवाल जी, द ऑनर ऑफ आयुष रॉकर्स। थोड़े से बदले बदले लुक के साथ पधारे हैं, दिल्ली में लगभग 10 दिनों से मौजूद हैं। चलिए स्ट्राइक पे मीना साहब है, मीना साहब सिंगल के लिए गए हैं। दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी अगर आप देखा जाए ना, टू टॉप बैटर्स इन टेनिस क्रिकेट, एक तरफ लोकेश मीना तो दूसरी तरफ है सीनियर बल्लेबाज नदीम धनुरी, मैन फ्रॉम राजस्थान। दो राजस्थान की शान मैदान में चलेंगे, क्या सीनातान। चलिए निकल गई है बाउंड्री के लिए, फ्रंट फुट, फ्रंट फुट चेक करेंगे। इनिंग्स ब्रेक में लॉटरी होगा वो सबको मालूम होना चाहिए, और जो भी टीम यहाँ मौजूद है वो आ सकते हैं लॉटरी के लिए, अदरवाइज जो नहीं है वो लाइव में देख सकते हैं। जिसका पहला मैच गिरेगा वो आधे घंटे पहले, मतलब टाइम के अनुसार आधा घंटा पहले आपको रिपोर्टिंग करना है, इस चीज़ का खास ख्याल आपने रखना है। चेक की जा रही है, थर्ड अंपायर के रूप में मौजूद हैं, थर्ड अंपायर देख रहे हैं, कैलकुलेटिव आंसर आपके पास आएगा। इट्स अ फेयर डिलीवरी, इट्स अ फेयर डिलीवरी। चलिए अब कोई डिलीवरी की जरूरत ही नहीं है, डिलीवर सीधा बाहर ही करेंगे। स्टैंड एंड डिलीवर ट्रेडमार्क स्टाइल में खेला गया शॉट, ट्रेडमार्क शॉट। नदीम धनुरी के बल्ले से आता हुआ 6 रन, 6 के साथ स्कोर में हुआ इजाफा, स्कोर पहुंच चुकी है 12, विकेट के खाते में 0 है। और जब ये दोनों मैदान पे एक साथ बल्लेबाजी करें ना तो फिर आप कह सकते हैं कि अब बेहतर जोड़ी है ये।
ये भी निकल जाएगी बाउंड्री के लिए, ये भी निकल जाएगी। चलिए पहला ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना है 16 रन, विकेट के खाते में शून्य है। चलिए गेंदबाजी की कमान अब पोलार्ड के हाथों में और बल्लेबाजी स्ट्राइक पे शान ऑफ राजस्थान स्टाइलिश बैटर मिस्टर लोकेश मैना। मैना साहब थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं मगर वक्त ही लेते नहीं है, मुंह देखा जाए ये शॉट्स और कवर के ऊपर से जो छक्का लगाते हैं ना वो काफी कमाल का शॉट होता है और कवर के ऊपर से ट्रेडमार्क अंदाज में शॉट लगाने वाले बल्लेबाज अब सामने खड़े हैं। अभी ये धनुरी साहब चल निकल गए हैं, अंपायर की उंगली खड़े करने से पहले ही निकल चुके हैं, यानी आप देख सकते हैं स्पोर्ट्समैन स्प्रिट। जो चाहिए था वो विकेट मिला है, चले बल्लेबाजी के लिए आए हैं। वो तलवार देखा आपने मैदान पे, वार देखा आपने, इस बार स्वागत कीजिए एक और स्टाइलिश बैटर AK-47 अंकित मौर्या। अंकित मौर्या दो दोस्तों की जुड़ी मैदान के अंदर है, लगभग दिखने में भाई जैसे लगते हैं मगर है दोस्त, मैन फ्रॉम यूपी। चले तैयार है मौर्या साहब, लेफ्टी वर्सेस राइटी ये दोनों साथी हैं। ये तैयार थे लेफ्टी के लिए मगर फिर राइटी खेला और रन मिले पूरे चार। अंकित मौर्या सेफ शॉट, अगर अभी के समय में कहा जाए ना रिवर्स हुई तो मतलब इनको आप समझ नहीं सकते कौन से बॉल के लिए जाएंगे, ये बैट पकड़ने का तरीका सबसे अलग है यार। इसे लेफ्ट हैंडर साबित करवा क्यों नहीं देते आप साहब, करवा दो इसे, क्योंकि ये दोनों दिशा में उतनी ही बेहतर खेल सकते हैं। आप किसी भी दिशा में इनसे नहीं कह सकते कि आप ये दिशा में बेहतर खेल रहे हैं उस दिशा में बेहतर खेल रहे हैं, और इनका खड़े होने का बस स्टाइल है कि राइट हैंडर है बाकी ये लेफ्ट हैंडर ही है। इसके बाद लॉटरी होना है, लॉटरी से जिस टीम का जैसे समय गिरेगा आधे घंटे पहले आपको रिपोर्ट करना है। इस बार भी प्रयास था, इस बार कुछ अलग प्रयास था मगर गेंदबाज काफी चालाक चतुराई के साथ गेंदबाजी हो रही है। दूसरा ओवर प्रगति पे 25-1 है।
चले अनदर डॉट बॉल, दूसरा ओवर हो चुका समाप्त है, कुल स्कोर 25 के योग पर, विकेट के खाते में एक है। अब यहां से सीधा चलेंगे हम सब लॉटरी के तरफ, और तीनों जो पांच टीम इसके पहले जो जीत चुकी है वो पहुंच जाएंगे, या फिर आप लाइव में देख सकते हैं। तो चलिए दूसरा राउंड का लॉटरी होगा, कृपया करके जितने सारे कप्तान ने जीते हैं जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़िए। প্রথম যে পাঁচটা দল জয়লাভ করেছেন আমরা দ্রুততার সঙ্গে অনুরোধ করছি, দ্রুততার সঙ্গে আসার জন্য। আমরা লটারিটা করব সেকেন্ড রাউন্ডের, পরবর্তী রাউন্ডের কে কার সঙ্গে খেলবেন প্লিজ। ক্যাপ্টেন ফ্রম পিটার 11, ক্যাপ্টেন ফ্রম বিআই 11 ঝাড়খণ্ড, ক্যাপ্টেন ফ্রম এমইউসিসি সম্বলপুর, ক্যাপ্টেন ফ্রম এরেরা ওয়ারিয়ার্স, ক্যাপ্টেন ফ্রম দিল্লি ধামাকা। प्लीज जितना जल्दी हो सके आगे आइए क्योंकि दूसरा राउंड का लॉटरी होगा। पीटर 11 का कप्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीआई 11 झारखंड, एमयूसीसी संबलपुर, एरेरा वॉरियर्स काटनी, दिल्ली धमाका सीसी। और इस मैच का दो टीम का अगर दो रिप्रेजेंटेटिव आना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आइए, लॉटरी होगा पांच मिनट के अंदर। शोजित लॉटरी प्लीज बोलो ये सबको। बॉल क्या छूटा है प्लीज, पांचटा दलर कैप्टन प्लीज एक क्विक आसबें ना हमें क्योंकि लाइव लॉटरी कर दीची अपना प्रत्येक एक देखे नबें प्लीज जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़िए नहीं तो लाइव पे फोकस कीजिए, आइस रॉकर्स लाइव पे फोकस कीजिए। माही क्या बात है यार, हो क्या रहा है ये, सितारों से सजी टीम के सामने ऐसी गेंदबाजी, लोकल टीम लोकल बॉय आउटस्टैंडिंग, क्या बात है लाले। शुभम परफेक्ट ऑलराउंडर पैकेज है, मैन फ्रॉम मेरठ लोकल बॉय। और जब इंडिया बांग्लादेश का मैच हो रहा था ना तो लोकल बॉय रविचंद्रन अश्विन ने अकेले बांग्लादेश को हरा दिया यार, पहले गेंदबाजी करके फिर बल्लेबाजी करके सब कुछ उसके पास था। चले कदम, श्रेयस कदम, क्या गेंदबाजी हुई है, थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल कहा जाएगा,
क्या बात है मेरी जान, हिला डाला, बिल्कुल चला है ये गेंदबाज सीना तान। फंसते दिखे मगर जिस तरीके से गेंदबाजी की है ना, सलाम है, मतलब आप कुछ भी करवा लो इस गेंदबाज से, ये गेंदबाजी अच्छे ही करेंगे। वो सामने सितारा है मगर इस समय मैदान पे इस टीम का हग बोलबाला चल रहा है। 26 पे 4, शुरुआती दो वो ठीक ठाक मगर उसके बाद क्या गेंदबाजी है। नाग, तो नाग साहब आए बैटिंग करने के लिए, अब डसेंगे क्या वो भी सवाल है। नॉनिश्चय गेंद पे खड़े हैं धोनी साहब, शुभजीत जाना उर्फ धोनी। श्रेयस कदम पहली बॉल समझ नहीं सके, सीधे विकेटों के सामने पाए गए। सेंसिबल क्रिकेट है क्योंकि गवा चुके हैं विकेट अपना इस ओवर में कई सारे, अब अगर एक और चली जाएगी ना तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। अब सामने दूसरा बॉल सामना करेंगे शुभजीत जाना उर्फ धोनी। बल्लेबाजी इनके पक्ष में, इसे पसंद है इस तरीके के शॉट्स खेलना, इस तरीके सिचुएशन में खेलना इसे काफ़ी पसंद है। विकेट गिरा है और दर्शकों की संख्या देखिए अब। चलिए जान लड़ा रहे हैं, जीतने को जग जाहिर दिखा रहे हैं ये, और दर्शकों की संख्या और बढ़ती जाएगी जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी। मेरठ की सरजमी का सबसे खूबसूरत टूर्नामेंट है ये। चलिए लॉटरी की ओर चलते हैं, जहाँ मौजूद है मिस्टर सुरजीत दास। तो चलिए सुपर सिक्स का मुकाबला, 6 टीम जहां हिस्सा लेंगे, लॉटरी कौन किसके साथ भिड़ेंगे, कौन किसके साथ हिस्सा लेंगे। तो बच्चा है 6 पर्चियां हैं, पहला दो पहला मैच, फिर दो दूसरा मैच, फिर आखिरी दो लास्ट मैच। फिर एक बार बता दूं, वो आखिरी मुकाबला जो टीम खेल रहे हैं वो अगर पहले आए तो आखिरी मैच ही खेलेगा। ओके, वो दो ड्रॉ होगा, दो ठीक है, ठीक है। कॉल सो पीआई 11 झारखंड वर्सेस दिल्ली धमाका, पीआई 11 झारखंड वर्सेस दिल्ली धमाका पहला मैच। फिर दो पर्ची उठा, चलिए दूसरा मुकाबला पीटर 11 अरीरा वॉरियर्स कटनी, कटनी अरीरा वॉरियर्स वर्सेस पीटर 11, दो नंबर सेकंड मैच। और चलिए आखिरी मुकाबला यानी सुपर सिक्स का आखिरी मुकाबला, एमयूसीसी संबलपुर वर्सेस इस मैच का विनर, सिक्स मैच जो जीतेगा उसके साथ हिस्सा लेंगे एमयूसीसी संबलपुर। यह था सुपर सिक्स का मैच। तो चलिए इसके बाद फिर आप कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन करेंगे सरासर राजा के साथ। एक रन और इस सिंगल के साथ स्कोर में हुआ इजाफा, स्कोर पहुंच चुकी है 43 रन, 43 लॉस ऑफ 4 विकेट। अच्छा शॉट, एक रन और, चार ओवर समाप्त हो चुके हैं, कुल स्कोर बना है 44, 4 विकेट के नुकसान पर 11 का रन रेट है ये।
गेंदबाजी के लिए सौरभ, स्ट्राइक पे नाग। चलिए नाग ने फिर से एक बार डसा है, चार रन और आता हुआ। ऐसा लगा था वो तीसरा ओवर जब आया था ना कि मैच में सिकंजा कसेगा, फिर कुछ और होने की आस लगी थी। इसी बीच शुभजीत धोनी और नाग की बल्लेबाजी फिर से मैच में कमबैक। इसके बाद मगर एक ही ओवर बचेगा, क्या 70 के करीब आप ले जा सकते हैं अभी भी स्कोर? ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। 2-2 दूसरा तो ओवर बाउंड्री है यार। अच्छी गेंदबाजी, 54 पे 4। इतनी बड़ी टीम के सामने अगर गेंदबाजी इस कदर हुई है ना, तो फिर कहीं ना कहीं सब कुछ देखने मिला है। इसके बाद मात्र एक ही ओवर का खेल बचेगा। चलो ऊंची गई है, नीचे फील्डर मौजूद है। क्या बात है यार, इतना आसान कैच कौन सा टीम छोड़ती है? मुश्किल कैच पकड़ लेती है वो टीम पाकिस्तान, और आसान कैच छोड़ती है वो भी टीम पाकिस्तान होती है। मतलब इतना आसान सा कैच अगर आप छोड़ते हैं ना, तो मानो शोएब मलिक खड़ा हो। पकड़ना चाहिए था ऐसे कैचेस आपको, क्योंकि बड़े बल्लेबाज का विकेट था ये। गेंदबाज के तौर पे ना आप यही कर सकते हैं कि मौके आप बनवा सकते हैं, मौके बना के आप ने वो करना है कि फील्डिंग को साथ देनी पड़ेगी। और हमारे कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित हैं द ऑनर ऑफ आयुष रॉकर्स श्री राज जायसवाल जी। पिछले 3 महीनों से जो प्रेशर लेके वो चल रहे हैं BGPL को लेकर, पूरे बंगाल रिप्रेजेंट करेगा उस टूर्नामेंट को, 4 नवंबर से शुरू होगा, 10 नवंबर को खेला जाएगा मेगा फाइनल BGPL का, इस चीज़ का खास ख्याल रखेंगे। मेरठ की सरजमी में ये सबसे खूबसूरत टूर्नामेंट, तीसरा साल। धोनी अनहोनी को होनी करने को तैयार रहेंगे ये। एक और 6 रन, रनों का अंबार सा लगने को तैयार अब कह सकते हैं। इस 6 के साथ स्कोर इजाफा हुआ 62 रन। 9 पे 20 बना के खेल रहे हैं नाग, 7 पे 17 बना के खेल रहे हैं शुभजीत। 17 था खतरा गेंदबाज को था। एक और 6 रन, आखिरी ओवर, 68 अभी हो चुका है। ऐसा लगा था वो 50 तक रुक जाएगी, मगर रुकती कहाँ है, ये क्रिकेट है ना, कभी भी किसी भी वक्त पासा बदल सकता है इस टूर्नामेंट का। और चलिए, इस लॉटरी हो चुकी है, टॉप 6 में जो हैं उनके लिए मैं बता दूं कि पहला मुकाबला चलेसी भी चचा शॉट नाग, वो नाग ऐसे डसा ना, सब कुछ लेके चला गया,
एक और चार रन, 73 पे चार। और मैं बता दूं कि मुकाबला, पहला मुकाबला बीआई झारखंड 11 वर्सेस दिल्ली धमाका, पहला मुकाबला। दूसरा मुकाबला पीजे 11 वर्सेस रीना वॉरियर्स कटनी, और एमयूसीसी संबलपुर वर्सेस, इन दोनों में जो जीतेगी वो खेलेगी तीसरा मुकाबला आज का। तो थ्रिलर आने वाला है और तैयार हो जाइए, वो तूफान जिस तूफान से लड़के यश चोपड़ा यहाँ तक पहुँचे हैं, तूफानी लड़ाई यहाँ पे अब देखने मिलेगी। वाईडी है, एक और अतिरिक्त रन, 75 रन। एक और 6 रन, इस 6 के साथ 81-82 बनाने आपको पड़ेंगे। शुरुआती विकेट गिर चुकी थी मगर उसके बाद जिस तरीके से संभाला इन दोनों बल्लेबाजों ने ना, काबिले तारीफ है। चलते हैं, 82 का लक्ष्य मिला, क्या चेज कर पाएगी या नहीं। यहाँ सीधा कॉम बॉक्स में होगा बदलाव, जुड़ेंगे आप सबके साथ मिस्टर सुरजीत दास। फिर एक बार आप सबको बता दूं, प्रत्येक मोबाइल चपेट करूं, यूट्यूब चैनल आयुष रॉकर्स सर्च करूं एवं सब्सक्राइब करूं। दर्शक संख्या बढ़ते चले कंटिन्यू बढ़े एवं सुपर सिक्स पर तीनटे दल जो रूल्स थाकबे সেটাও আমরা জানিয়ে দিচ্ছি। মাঠের ভেতরে একটা দৌড় হবে যেখানে 4 রান নিতে হবে, আর সেখানে সেই রানের বিচারে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নির্ধারণ করা হবে। প্রথম যারা হবেন তারা দ্বিতীয় দলের সঙ্গে ম্যাচ খেলবেন এবং প্রথম ম্যাচে যারা পরাজিত হবেন সেখান থেকে তারা খেলবেন তৃতীয় দলের সঙ্গে, এবং প্রথম ম্যাচে যারা জয়লাভ করবেন তারা সরাসরি ফাইনালে জায়গা পাকা করবেন। এখান থেকে আমরা সরাসরি
संबर्धना जानब कारण आम्रा बांगाली अतिथि देव भव आम्रा अतिथि देर सम्मान जानाते पारी हेलो सरसरी राजार काछे तो चलिए स्वागत है आप सभी का यहाँ पे हम लोग सम्मान देने के लिए पहुंचे हैं क्योंकि बंगाली ने जिस तरीके से पूरे देश में एक अलग सा नाम किया है तो फिर यहाँ पे इस टूर्नामेंट को सम्मान के और बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री राज जायसवाल जी ऑनर ऑफ आइस रॉकर्स और उनको इस टूर्नामेंट के कर्ता धर्ता श्री मोहन जी मैं चाहूंगा कि सम्मान करें प्लीज एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री राज जायसवाल जी का बुके देकर और इस टूर्नामेंट के थैंक यू सो मच और ओवर टू यू कॉम बॉक्स प्यार का दूसरा नाम आयुष रॉकर्स क्वालिटी में बेटर एंड क्लियर साथ में लेके चलिए आयुष रॉकर्स आपको अगर बेस्ट क्वालिटी चाहिए तो आयुष रॉकर्स के साथ जुड़िए वो सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग नहीं बैट से लेकर बैग से लेकर कैप से लेकर ऑल टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स सुपर सिक्स प्रथम मैच बीआई 11 झारखंड वर्सेस दिल्ली धमाका सीसी नेक्स्ट मैच पिटार 11 वर्सेस अरीरा वॉरियर्स काटनी एवं थर्ड मैच एमयू सीसी संबलपुर वर्सेस এই ম্যাচে যারা জয়লাভ করবেন এবং শুভম এবং পোলার্ড তাদের জন্য একটা স্পেশাল অ্যানাউন্সমেন্ট আছে ব্যাক টু ব্যাক তিনটে ওভার বাউন্ডারি যদি আসে তাদের ব্যাট থেকে রিজার্ভ গালি থেকে মানিরুল দা আকাশ দা এবং নজরুল দা তাদের পক্ষ থেকে 1,500 টাকা এই দুই ব্যাটারের মধ্যে যদি কোনো ব্যাটার ব্যাক টু ব্যাক তিনটে ওভার বাউন্ডারি মারতে পারেন আমরা প্রত্যেককে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি স্পোর্টস সিটি অফ ইন্ডিয়া দিল্লি থেকে 90 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মিরাট সাউথ বেঙ্গলি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আবারও জানিয়ে রাখি আমরা কর্মসূত্রে যে সমস্ত বাঙালিরা বাংলা ছেড়ে প্রায় 1,500 কিলোমিটার দূরে কর্মসূত্রে রয়েছেন তারা অর্গানাইজ করেছেন এমন চমৎকার একটা ক্রিকেটীয় টুর্নামেন্ট বোলিং মার্কে আকাশ তেওয়াটিয়া প্রথম বল সক সুইপ এবং গতিতে বল অলিম্পিকের দৌড় অনেকটা জায়গা ক্যারি করেছিলেন যেখান থেকে একটা রান দিয়ে যাত্রাটা শুরু করবেন টার্গেট শুরুর দিকে চাপ কাটিয়ে শুভজিৎ জানা সৈকতনগরী দীঘার ছেলে এখান থেকে রিভার্স এবং বল যাবে মাঠের বাইরে ছু মান্তর ডাউন দ্য কার্পেট গ্যাপের ব্যবহার এবং বাউন্ডারি রান সংখ্যা 5
दिवारात्रि नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट बारो दलियों लाइक करते थाकुन शेयर करते थाकुन सबस्क्राइब करते थाकुन आमादेर परिवारेर साथे जुड़े जान एकान थेके सेंसिबल बैटिंग बोलते हबे एकटा रान away from the body deep dharudi rajasthan the man from rajasthan nadim dhanudi wo rajasthan ki do cheez famous hai ek hai dal bhati churma aur dusra hai nadim dhanudi nag जत कण फिल्डिंग करबें एक रान शुभम एवं पोलार्ड दुई बैटर टार्गेट 82 एखान थेके डॉट बॉल दिए ओवरटा कमप्लीट हो प्रथम ओवरटा कमप्लीट हो एक ओवर शेषे रान संख्या 8 एक ओवर की समाप्ति के बाद 8 वगैरह किसी विकेट खोए वो पहला ओवर की समाप्ति एक ओवर की समाप्ति के बाद 8 विदाउट एनी लॉस আমরা আরো একটা अनाउंसमेंट कर दीची आगामी सोमवार এই মাঠে 8 দলীয় क्रिकेट टूर्नमेंट अनुष्ठित হবে तो जे समस्त दर्शक माठे एसेछेन केउ गुटकार पीच बा एमन किछु माठे फेलबेन ना जेटाते समस्या हय कारण अनिंद सुंदर एकटा माठ प्रत्येकेई आपनारा देखछेन हमसे गलती हो सकते गूगल से कैसे गलती हो सकते वन सेकेंड स्पेशल थैंक्स टू हमारे सबका प्यारा जीवन ज्योति हम इसे चित्रगुप्त कह के बुलाते हैं वो जमराज का चित्रगुप्त जिनके पास सबका खाता है और हमारे जीवन ज्योति का जीवन ज्योति के पास वो टेनिस क्रिकेट का हर एक खिलाड़ी का खाता है चित्रगुप्त जीवन ज्योति सुनील नाइन प्रथम बॉल नदीम धनुड़ी যতক্ষণে ফিল্ডিং করবেন হাঁটি হাঁটি পাপা রান নিচ্ছি দেখে যা ক্যামেরা পার্সন শঙ্কর দিল নরম দিমাগ গরম বাকি সব মহাকাল কি গরম বোম শঙ্কর তো চলিয়ে শায়দ ইউডিআরএস तो चलिए हमारे तीसरा आंख अंपायर महोदय है जैसे कि भगवान शिव जी का तीसरा आंख है और हमारे दोनों मैच ऑफिशियल उनका भी तीसरा आंख यहां हमारे साथ मौजूद है हिमाद्री सर चेक करा होच्छे कैकटा मुहूर्तेर मध्येई आमरा स्वागत जानिएछिलाम आमादेर मध्ये उपस्थित छिलेन आमरा सम्बर्धना जानिएछिलाम सेई मानुषटाके बांग्ला टेनिस क्रिकेट के निये जिनी अन्यरकम भावेन सो इट्स आ नो बॉल राजेंद्र गुप्ता तिनी आमादेर संगे रयेछेन जिनी बांग्ला टेनिस क्रिकेट के
কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, যিনি প্রত্যেকটা মুহূর্তে ভাবেন এবং যার মস্তিষ্ক কম্পিউটারকেও হার মানায়। শট প্লেসমেন্ট, ফাঁকা জায়গা সেটাকে কাজে লাগালেন এবং ফিল্ডাররা দর্শকের ভূমিকায় আর দর্শকরা ফিল্ডারের ভূমিকায়, এখান থেকে বাউন্ডারিটা আসবে। हेलो फील्ड के मैनेजर, ये यहाँ पर बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, वो आके पानी चालू कर दें। फील्ड के मैनेजर जहाँ कहीं कहीं भी माही मार रहा था, लेकिन यहाँ माही खींच रहा है। वो माँ ही खींच रहा है फोटो, वो खींच मेरी फोटो। और इससे पहले विकेट आया, विकेट चटकाएंगे सुनील नाइन। देखिए किस तरह से वो रिप्ले में दिखाया जा रहे हैं, इसी के चलते विकेट आयुष रॉकर्स लाइव एंड एक्सक्लूसिव। नतून बैटर विक्रम एवं ताके बैटिंग विक्रम देखाते हबे। शुभम तिनी फिरलेन, এখান থেকে জোরালো একটা আবেদন সুনীল নাইন। সে আবেদনে কর্ণপাত করেননি ম্যাচ অফিসিয়াল এবং এখানে তৃতীয় আম্পায়ারের সহযোগিতা চেয়েছেন লেগ বিফোর উইকেটের জন্য, এলবিডব্লিউর জন্য। প্রত্যেকে চোখ থাকবে এলইডি স্ক্রিনে, কি সিদ্ধান্তটা আসে, ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ। শেষটা যদি ভালো হয় প্রতীক্ষা করাটা কখনোই মন্দ নয়, সো আমরা প্রতীক্ষা করব কি সিদ্ধান্তটা আসে। একদিকে চিন্টু ইলেভেন, অপরদিকে পিভিআর প্যান্থার্স। ডে নাইট টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, সদর বেঙ্গলি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। সিদ্ধান্তটা আসছে, কি সিদ্ধান্ত আসবে, ইটস নট আউট। রান সংখ্যা 15।
होल आउट खींच कर मारे हैं। नाग और एक रान षोलो थे सतर एखान हवाई बॉल फील्ड्समैन नीचे सो इट्स अ विकेट द बिग मैन डिपार्ट्स विक्रम ओ यू टी तो चलिए दो ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 17, वो 17 मतलब खतरा। एक्रॉस द लाइन पोलार्ड पीवीआर पैंथर्स शरीफ सुअर इस पर शरीफ इस पर स्लोअर अब चाहिए इस पर सिक्स ब्लॉक होल तो गत बॉलटा छिल स्लोअर एटा गतिमयतार प्रतिच्छबि प्रवीण टॉस परवर्ती मैचे टॉसे बॉस के हबेन सो प्लीज वेलकम कैप्टन फ्रॉम बीआई 11 झारखंड वर्सेस दिल्ली धमाका सीसी और एक रान पोलार्ड और पोलार्ड जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं धुआंधार बल्लेबाजी और यहां उसी अंदाज के साथ फेंक दिए हैं मैदान के बाहर जन्नाटेदार सिक्स तो चलिए तीन ओवर में 25 अभी भी बहुत रास्ता यहां से तैयार करना होगा लंबा सफर एत गरम क्रिकेटर उत्ताप बढ़े एवं जनसमुद्र देखते पाच्छी आम्रा सो मुखिया है तो मुमकिन है राजू मुखिया
सो मिस टाइमिंग शरीफ, लौटना होगा शरीफ को। मुखिया आए हैं और मुखिया छाए हैं, आते ही विकेट चटकाए हैं। ये विकेट टेकर बॉलर के रूप में जाने जाते हैं। सुप्रीमो चषक आप सबको याद होगा किस तरह से परफॉर्मेंस था राजू मुखिया की। पिंटू এখান থেকে চমৎকার ভাবে পিন্টু জায়গাটা বদল করবেন একটা রানের জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা এন্টায়ার টিম মোহনদার নেতৃত্বে সদর বেঙ্গলি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। আবারও একবার মিস টাইমিং হওয়ায় নিচে মুখিয়া, আরো একটা উইকেট, দ্য বিগ ম্যান পোলার্ড ডিপার্টস। चलिए कहां से लोग नजर लगा के बैठे हैं। वो हम सोच रहे थे सौरभ आते ही बड़े शॉट की तलाश में, बल्ला घुमाए थे, कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। वो विकेट कीपर और बॉलर के बीच में गेम चल रहा है। फेंक दिया, पकड़ लिया, फिर फेंक दिया, फिर पकड़ लिया। इस बार डाउन द सर कारपेट। वो ऐसा प्रतीत हो रहा है नया नवेली दुल्हन की तरह सज चुके हैं मैदान। दुधिया रोशनी में चमक रहा है। स्टेप आउट, एक और रन जोड़ा जाएगा खाते में। कमाल की ओवर, किफायती ओवर राजू मुखिया। इस ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं, विकेट चटकाए हैं 2, और इसी के चलते 4 ओवर की समाप्ति 28 4 विकेट के नुकसान पर। और अगला वाला मुकाबले की टॉस होगा और टॉस के लिए आमंत्रित करेंगे बीआई 11 झारखंड और साथ में दिल्ली धमाका सीसी। सो बोथ साइड कैप्टन प्लीज कम अप फॉर द टॉस। कैप्टन फ्रॉम बीआई 11 झारखंड, कैप्टन फ्रॉम दिल्ली धमाका सीसी। जहां एक तरफ आप देखेंगे उस्मान पटेल और दूसरी तरफ प्रिंस ऑफ तारकेश्वर जगत सरकार। इस बार स्टेप आउट, फुल टॉस, 1 ड्रॉप और सीधा तिवाटिया के पास। उल्टा पुल्टा की कोशिश था पर डॉट बॉल। गेंदबाजी में लोकेश मीना, वो धोनी साहब सोच रहे मुझे कब मौका मिलेगा। ये चलिए उड़ी 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 गेंद उड़ी हवा के संग संग घटा के साथ साथ, एक और 6 रन। और चलिए भेज दीजिए बॉल प्रसन्नजीत बुबाई दत्ता को, वो मांग रहे हैं।
ये सब करते हैं। सौरभ, कुछ ही पल पहले तो ये स्कोरिंग का काम कर रहे थे, उससे पहले मैदान का ग्राउंड स्टाफ था और आप मैदान में उतरे ही छक्का लगा रहे हैं। ये ऑलराउंडर हीरो है, सब कुछ मुमकिन है। सौरभ, इस बार चले पड़े शॉट की तलाश में, बाहरी हिस्सा और लौटना पड़ेगा सौरभ को। चलिए अपना काम पे, फिर एक बार वापस आइए। न्यू बैटर ऑन स्ट्राइक बैटर साहूबाज, वो चर्चा जारी है, वो सुभाजीत जाना धोनी, वो मिद्रापुर से आए हैं और मीरठ में धमाल मचाए हैं, वो आए हैं और छाए हैं। वो अब तो थोड़ा सा प्रेशर में है, लोकेश मीना गेंदबाजी में और थोड़ा सा प्रेशर में है बल्लेबाज। इस बार चले फुल टॉस और स्ट्रेट टू द फील्डर विकेट, वो प्रेशर में है और इसीलिए तो हर बार कहा जाता है वो सुबह की चाय में पड़ा हुआ बिस्किट, वो सुबह की चाय में पड़ा हुआ बिस्किट, वो नया नया प्यार में पड़ा हुआ लड़का और दबाव में पड़ा हुआ वो बल्लेबाज, सबका हालत एक जैसा होते हैं और यहां पर बल्लेबाज की हालत वैसा ही है। वो बिस्किट छोड़ दीजिए, प्यार छोड़ दीजिए, सीधा बल्लेबाज पे फोकस कीजिए। एक और सफलता, एक और विकेट और इसी के चलते पांच ओवर की समाप्ति, 35 छह विकेट के नुकसान पर। तो चलिए, जब परेशानी में पड़ते हैं तो हम सीधा कृष्णा पे विश्वास करते हैं, लेकिन अब कृष्णा छोड़ दिए, नारायण को बुलाया गया और गेंदबाजी में उनियल हैंडसम हांक। तो चलिए पहला गेंद ड्राइव, नो रन। नारायण सोच रहे हैं क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या कसूर किया जाए। बी आई झारखंड 11, कैप्टन नवीन हुडा और दिल्ली धमाका सीसी कैप्टन अविनाश राणा। बब्बू, जल्द से जल्द टॉस के लिए आइए, सुपर सिक्स का पहला मुकाबला, भारी मुकाबला, उस्मान पटेल वर्सेस जगत सरकार। अवे फ्रॉम द बॉडी, वो धोनी साहब मुस्कुरा रहे हैं, धोनी धमाका आप देख चुके हैं, वो राइटी धोनी को आप देखे, लेकिन यहां पर लेफ्टी धोनी। और सौरभ साहब हमारे साथ आ गए हैं, पहुंच गए हैं, ऑलराउंडर हीरो सौरभ। तो चलिए उनियल, इस बार शॉट ऑफ लेंथ, पुल करने की कोशिश, गुल करने की कोशिश, सक्सेसफुल नहीं, सक्सेसफुल है बॉलर उनियल, विकेट चटकाएंगे। एक और झटका, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है ना जीवन कि ये जिस तरह से विकेट पड़ रहा है वो किसी स्कूल या कॉलेज की बगल में से जो खड़ा है, स्कूल या कॉलेज की साइकिल स्टैंड में, जैसे एक साइकिल गिरने के बाद हर एक साइकिल गिर जाते हैं,
वो ऐसे ही विकेट नहीं गिर रहा है, साइकिल गिर रहा है। तो चलिए तुषार, मौसम बहुत गर्मी है, यहां तुषार को ही चाहिए था और तुषार ही आया है मैदान में। वो आखिरी ओवर जा रही है, आखिरी ओवर की आखिरी गेंद, वो ड्राइवर सेट में। ये चलिए दूरी दूरी दूरी, चलिए छक्के का ना सही चौके का मंजूरी, और मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन फॉर टीम चिंटू 11। वो कप्तान आकाश तिवाटिया वो खुश है और सुपर सिक्स में पहुंच चुके हैं, और सुपर सिक्स का आखिरी मुकाबला एमयूसीसी संबलपुर के साथ चिंटू 11। तो चलिए सिरा सर, यहां से हम टॉस में जाएंगे, जहां इंतजार कर रहे हैं वो आकाश चोपड़ा 2.0, राजा बाबू अजफर आलम। तो चलिए आपके सामने बिल्कुल मैच समरी है, मैच समरी, और इस मैच का हीरो ऑफ द मैच वो खिताब, वो सीधा मेरठ से मेदिनीपुर तक पहुंचेंगे, मैन ऑफ द मैन फ्रॉम दीघा, शुभजीत जाना धोनी। सो प्लीज वेलकम धोनी।